हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 31 जुलाई और सुबह का ये टाइम है। सुबह के इस वक्त 5:15 हो गए हैं और मैं उठ गई, अपने रूटीन में अपना लग गई हूँ। तो जी, सबसे पहले उठते ही आप लोगों को पता है कि मैं आती हूँ बाहर सबसे पहले कोलों पर पानी डालने के लिए। अपने गेट के ऊपर पूरा एक जग भर के, एक लोटा भर के मैं पानी डालती हूँ। वो उसका रीज़न ये रहता है कि कहते हैं कि देखो, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो सुबह सुबह क्या होता है कि हमारे गेट पे हमारे जो पितर जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे घर परिवार के जो दुनिया से जाने के बाद एक पितर रूप में हो जाते हैं, तो वो गेट पर मतलब सुबह गेट पर होते हैं और वो जो हम पानी गेट पर डालते हैं वो डायरेक्ट उनको जाता है, वो डायरेक्ट वो पानी उनको मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा, जब से मुझे करीबन 6 साल से इस बात का पता चला और 6 साल से रेगुलर मैं इस चीज़ को फॉलो करती आ रही हूँ, और आज तक मतलब शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा कि मैंने इस चीज़ को छोड़ा हूँ। तो जी, अभी जो है सबसे पहले मैंने लिया था अर्क ज़ीरा। सबसे पहले जो नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उन लोगों को अर्क ज़ीरा के बारे में नहीं पता। उनका मानना है, कहना है कि दीदी एक बार अर्क ज़ीरा के बारे में हमें बता दो। तो जी, अर्क ज़ीरा जो मैं सुबह सुबह लेती हूँ, आपने जिस वीडियो में देखा है वो एक वाइट कलर की बॉटल में पानी सा जो होता है ना, वो अर्क ज़ीरा है। और उसको मैं सुबह खाली पेट 3 से 4 ढक्कन लेती हूँ और उसके बाद आधे घंटे तक ना कुछ मैं खाती हूँ ना ही कुछ मैं पीती हूँ। आधे घंटे के बाद अपनी चाय वगैरह लेती हूँ। तो मेरा क्या रहता है कि मुझे चाय पीनी सुबह सुबह क्या रहता है कि जब शरीर का आलस जो है, बॉडी का आलसपन मेरा तभी दूर होता है जब मैं चाय पी लूँ। तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अर्क ज़ीरा लेती हूँ। बाद मुंह भी मैं बाद में धोती हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मान लो मैं मुंह धो रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, नीचे गेट पे पानी डालने जा रही हूँ, ऊपर आ रही हूँ और चाय वगैरह पैकी फ्रेशन अप होना और चाय वगैरह बनेगी, तब तक इन चीज़ों में थोड़ी बहुत देर में बाहर घूमती, तो इन चीज़ों में आधा घंटा हो जाता है। तो इसलिए जो है मैं सबसे पहले बिना मुंह धोए अर्क ज़ीरा ही लेती हूँ, ताकि मुझे जो है फिर ये छोटे मोटे अगर मैं सुबह के काम निपटाऊँ तब तक आधा घंटा हो जाए और फिर मैं अपनी चाय पी सकूँ। मंगलवार है तो फिर आज जो है प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं होने वाला है। और यहाँ पे मैं नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पराठे। जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन्होंने रेसिपी भी पूछी थी। तो आटे में मैंने सिर्फ अपने मसाले ऐड करे, नमक डाला है, धनिया मैंने घर पे पीस के रखा हुआ था वो मैंने डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा मैंने इसमें ऐड करा है और उसके बाद ये आलू डालकर इनको जो है क्रश अच्छे से जो है वो आटे में मिक्स कर दिया है। जब आटा हम गूंदेंगे ना, बिल्कुल एक एक घूंट, दो दो घूंट पानी डालना है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो ये पिलपिला हो जाएगा और आटा फट जाएगा, मतलब ऐसा पिलपिला हो जाएगा इसकी ना तो रोटी बनेगी ना पराठा बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल एक के शुरू में दो दो घूंट पानी डालना है, फिर एक एक घूंट पानी डालना है, तब जाके आटा प्रॉपर बनकर रेडी हो जाएगा। और वरुण को स्कूल भेज दिया है, हिमांग को भी रेडी कर दिया है, हिमांग की बस भी आने वाली है। बीच में मैंने काफ़ी सारे काम अपने निपटा लिए हैं और बस इसको भी रेडी करके और इसकी स्कूल की जो चेकिंग वगैरह करनी होती है मुझे सुबह, कौन कौन सी आज क्लास होगी तो उसके अनुसार मुझे बुक्स वगैरह डालनी होती है। तो हिमांकी में तो मैं सुबह ही डालती हूँ, कोई रात को डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रात को अगर वाले मैं डाल के मैंने रख भी दी तो ये ऐसा ही है, आते जाते बाहर घूमते फिरते अपना जो है खंगालता रहता है अपने बैग को और फिर जो है उसमें से निकाल ही देता है चीज़ों को। और यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के सारा घर का काम ख़त्म हो गया है। ये करीबन सुबह के 9:30 बजे हैं और मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर में जाके, क्योंकि सावन लगा हुआ है तो मैं कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं अगर हो सके तो मैं पूरा डेली के डेली मैं निभा पाऊँ, मैं डेली मंदिर जाऊँ पूरा सावन का महीना। और यहाँ पे भी मेरे घर पे शिवलिंग है, जो मैं चाहे सावन का महीना है या नहीं है मैं डेली जो है अपना शिवलिंग को नहलाती हूँ। ये जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है, डेली मैं इसकी पूजा करती हूँ। तो फिर अब बस और नहा धो के डायरेक्ट मैं अपना कंघी वगैरह बाद में करती हूँ, हल्का फुल्का मुझे चेहरे पे कुछ लगाना होता है वो भी मैं बाद में लगाती हूँ। कहते हैं कि जो नहाते ही तुरंत सबसे पहले जो है अपना मंदिर की पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, अगर आपने गलती से किसी ने आपको छू भी लिया तो भी आप अशुद्ध हो जाते हो, आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। ये पहले टाइम पे, देखो आजकल तो इतना ज़्यादा कोई कुछ मानता नहीं है, लेकिन पहले टाइम पे जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे ना वो कहते थे कि नहाते ही सबसे पहले ये काम बाद में करो, सबसे पहले अपनी पूजा पाठ करो और बाद में ये वो सारे काम जो होने वाले हैं।
तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अपना जो है पसीना सुखा लेती हूँ, और चलने की मैंने तैयारी करी थी। इतनी ही देर में फिर जो है दूध वाले भैया आ गए थे, और यहाँ पे अच्छा अभी मैंने जैसे जोत वगैरह बनाऊंगी, एक मैं एक बाल्टी जो मैं लेकर जा रही थी ना पिछली बार, मैंने जैसे बताया था ये बाल्टी अभी मैं रखूँगी, तो पिछली बार मैंने बताया था तो कॉमेंट आया था दीदी पानी जो है वो आप घर से लेकर जाया करो। तो जी देखो पहले मैं क्या करती थी, शुरू के 4-5 दिन में गई ना, तब एक छोटी सी डोली जो होती थी ना उसमें मैं अपना दूध डाल के, पानी डाल के, शहद डाल के, चावल डाल के, काले तेल डाल के, थोड़ी सी हल्दी डाल के, सारी चीज़ें मैं खुद लेके जाती थी। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि एक छोटी सी डोली में तो मैं सिर्फ शिवलिंग को नहला सकती हूँ, बाद में पार्वती माँ है और साथ में जो है गणेश जी भी है और भी जो मूर्तियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें, तो मैं बड़ी वाली डोली लेके जाने लग गई थी। और उसमें फिर क्या होता है, घर से दूध मैं खुद अब भी लेके जाती हूँ, लेकिन बड़े वाली डोली में क्या रहता है, पानी रास्ते में छिलकता रहता है और उससे क्या कपड़े भी गीले हो जाते हैं और पानी भी बार बार गिरता रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ पे जो पानी का नल लगा हुआ है तो वहाँ से मैं पानी लेती थी। लेकिन ये चीज़ कौन सी सही है कौन सी गलत, जिस जिसको पता है वो ज़रूर बताना, फिर मैं उसी हिसाब से मैं चलूँगी, फिर चाहे पानी छिलके अगर चाहे ना छिलके, अगर घर से ले जाना ज़रूरी है तो मैं वहीं से लेके जाऊँगी। वैसे 4-5 दिन तो मैं घर से ही लेके गई थी, पर वो डोली बहुत छोटी सी थी, उसको मैं मैनेज कर पा रही थी। और फिर बड़े वाली बाल्टी, उस बाल्टी में क्या होता है कि मैं भरपूर भर भर के जो है फिर मैं शिवलिंग को नहला सकती हूँ, और साथ में और भी जो देवी देवता होते हैं उनको भी मैं नहला सकती हूँ। अच्छा कमेंट भी आया था एक दीदी, शिवलिंग को लेडीज़ जो है, मैंने एक शॉर्ट्स शेयर करा था तो औरतें शिवलिंग को छूती नहीं है। तो जी देखो मैंने जब तक शिव पुराण की कथाएं मैंने सुनी हैं, थोड़ी बहुत शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं या फिर मैंने थोड़ी बहुत कथा मैंने सुनी है, तो उसके हिसाब से तो शिवलिंग को बहुत अच्छे से नहला भी सकते हैं और अपने माथे को शिवलिंग पे लगा भी सकते हैं, ताकि आपके माथे में आपके जितनी भी दुख तकलीफ़ लिखे हुए हैं वो जो है कम हो जाएं, ऐसा माना जाता है, मैंने सुना भी है थोड़ा बहुत, जैसी थोड़ी बहुत कथाएं वगैरह मैं सुनती हूँ, और मुझे इतना ही आइडिया और ज़्यादा आइडिया मुझे है नहीं। ये क्लिप जो अभी आप देख रहे हो नेक्स्ट मॉर्निंग की है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सारा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा था, और एक आधा कुरियर जो गांव का था, जो जैसे हिमाचल साइड का एक कुरियर था, दो कुरियर थे जो कि गांव के थे प्रॉपर, वो फिर गांव के प्रॉपर कुरियर गए थे स्पीड पोस्ट से, और स्पीड पोस्ट की लाइन भाई 1-1.5 घंटे में मेरा नंबर आया, मैंने इसको स्पीड पोस्ट करा और मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद बच्चे आए, उनका लंच वगैरह बनाया, वीडियो 3-4 दिन से मेरे जो है 2-3 दिन से फिर जो है साथ में वाईफाई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, वीडियोस बहुत टाइम ले लेके अपलोड हो रही थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते मैं चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो फिलहाल जो है अभी मैंने बाहर का सुबह का ये सारा काम निपटा दिया है, अभी नहा धो के मैं नहाऊंगी, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैंने सुनी थी कि शिवरात्रि में यानी सावन के महीने में सोमवार को सिर नहीं धोना चाहिए, पाप लगता है। मुझे नहीं पता अभी ये चीज़ कितनी सही है और कितनी नहीं, लेकिन लगता है। अब ये देखो आज ये शाम का टाइम हो गया और आज हमारे यहाँ ज़बरदस्त बारिश आई है, और इस टाइम पे ना कुरियर वाले भैया आते कुरियर लेने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आई है तो फिर मैंने उनको मना कर दिया कि आज बेशक मत आना, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, कहीं ऐसा ना हो कुरियर वुरियर में पानी वगैरह चला जाए या कुछ और, मैं आप सुबह आ जाना और सुबह कुरियर आके लेके जाना। तो फिलहाल बच्चे जो है एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे, वो पानी में नहा रहा है, वो बारिश में नहा रहा है, तो मैं क्यों नहीं नहा रहा, तो फिर मैंने दोनों को बोल दिया कि दोनों के दोनों नहा लो। और यहाँ किचन के लिए मैंने कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया है जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। और ये देखो कुछ बर्तन हमेशा मैं या तो इंडस वैली या अगारो, इतने अच्छे बर्तन होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और कढ़ाई मेरे पास एक छोटी सी थी वो थी इंडस वैली की, बड़ी मेरे पास कढ़ाई नहीं थी, तो मुझे ज़रूरत थी एक सिल्वर कलर की कढ़ाई थी जो कि मुझे रिप्लेस करनी थी, उसका ना चाहे उसको कितना ही घिस लो कितना ही उसको रगड़ लो लेकिन उसका मतलब उसकी शक्ल सूरत साफ ही नहीं होती पता नहीं क्यों, तो फिर मैंने सोचा इसको हटा के सिल्वर को हटा के स्टील वाली भी ले लेती हूँ। और एक मेरा तवा है वो भी ख़राब हो गया था, तवे पे जो है एक तो तवे की डंडी भी निकल गई थी सच बताऊँ तो, और उस तवे पे क्या होता रोटी तो सेक लेते हैं और तो उस तवे पे हम जो है चीला वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं बना सकते वो, क्योंकि बीच से गहरा होता है, तो फिर और मेरा जो है फ्राई पैन भी ख़राब हो गया था तो फ्राई पैन भी नया लेना था, आप लोगों ने कहा था कि फ्राई पैन भी नया ले लो, तो ये जो फ्लैट तवा आप देख रहे हो ना ये तवे का भी काम करेगा, ये मतलब हर तरह का काम करेगा, इसमें चीला वीला भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप मेरी खुशी का ठिकाना आप मेरे चेहरे पर जो है वो देख पा रहे होगे कि कैसे क्या मेरी खुशी है,
फिलहाल ये रहेगा आज की वीडियो का सबसे लास्ट आइटम। और मुझे इस कुकर, ये कुकर ना मेरे को देखते ही बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इस तरह के कुकर में क्या रहता है कि एक इलेक्ट्रिक कुकर मेरे पास पहले भी है जो कि किसी ने मांगा है तो मैं वो उनको दे दूँगी। और ये वाला कुकर जो है ये भी इलेक्ट्रिक ही है, स्पीड वगैरह इसकी घटा बढ़ा सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो फिर मैंने ये ले लिया। फिलहाल जो है ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं और इनका रिव्यू धीरे धीरे एक बार मैं इनको यूज़ कर लूँ फिर इनका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी, कैसे क्या कुछ जो है वो प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर ढक्कन है और ये पूरा बड़ा, अच्छा 3 लीटर का है ये वाला कुकर, पूरा बड़ा बाउल भी है, ये चम्मच भी आई है, मेज़रमेंट कप भी आया है और इसमें पूरा कुछ भर भर के आप चावल बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, दाल बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा सही एकदम, क्योंकि इसमें बाद में आप गर्म करने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे उसको छोड़ भी सकते हो। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।